मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जिसमें सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। वहीं सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक सुभाष सपा से गठबंधन की शर्त पर ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उन्हें सरकार में किसी अहम मंत्रालय की कमान भी मिल सकती है। अगले साल होने वाले विधान परिषद चुनाव में सुभाष सपा के कार्यकर्ता को भी परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। इधर आपको बता दें कि सपा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान ने बैठक में हिस्सा लिया। पूर्वांचल के चौहान वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले दारा सिंह भी कैबिनेट में शामिल होंगे। फिलहाल योगी कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 52 मंत्री हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह के अलावा बीजेपी के एक दो पूर्व मंत्रियों को भी दोबारा सरकार में जगह मिल सकती है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय संतुलन साधने के लिए एक दो नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। गौरतलब है कि बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन से लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। वहीं प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी को झटका लगेगा। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त के पहले सप्ताह तक होगा। सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो वहीं योगी सरकार 1.0 में मंत्री रहे कुछ पूर्व मंत्री और विधायक भी मंत्री पद के लिए लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से ब्यूरो हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द होने की बात सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में राज्यसभा की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी खासकर एनडीए सरकार को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, वैसे ही एनडीए भी जो उनके साथी दल हैं या जो पूर्व में उनके साथ रहे ऐसे दल जिनके साथ गठबंधन पहले भी किया जा चुका है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने की कवायद में जुट गई है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को फिर से एनडीए का अहम हिस्सा बनाया गया है। हालांकि अभी किसी भी ना ही सुभाषपा की तरफ से और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पत्ते खोले गए हैं कि उनको प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो जगह दी जाएगी, साथ ही साथ लोकसभा में किन मुद्दों के साथ और कितनी सीटें उनको दी जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी मंत्री रहे योगी सरकार वन में, अब योगी सरकार टू में फिर से वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी में फिर से सदस्यता दिलाई गई है। हालांकि उन्होंने अपनी विधानसभा सीट घोसी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है और अब फिर से वो चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव जीतने के बाद उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर, इनको मंत्रिमंडल में तो जगह दी जाएगी लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं ये दिलचस्प बात होगी। पूर्व में कुछ मंत्री रहे हैं जैसे महेंद्र सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा, इनको फिर से मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश की जगह दी जाएगी। साथ ही साथ किस तरीके से एनडीए को और मजबूत किया जा सके, क्योंकि विपक्ष पार्टी ने जिस तरीके से इंडिया नाम दिया है, अपनी पूरी एका किया है और दिखाया है कि 26 ये पूरी जो 26 जो विपक्षी दल थे ये इकट्ठा हुए हैं, तो वहीं एनडीए ने भी 38 दल को इकट्ठा किया है। लेकिन खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी से कुछ और ऐसे नाम हो सकते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने की कोशिश कर सकती है, ताकि जो विपक्षी दल है उनको कुछ कमजोर किया जा सके या कुछ बैकफुट पर लेकर आया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अमरीश।